बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू हांडी रोटी फूड कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मलाई मैंगो कुल्फ़ा घर की भलाई से, और ये बिना खोए के, कंडेंस मिल्क के और डेरी क्रीम के तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाने के लिए आपको इन अज़ा की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको चाहिए 2 लीटर मिल्क, कवाले का दूध भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप चाहिए अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर, 1 कप चाहिए चीनी, 1 कप चाहिए घर के दूध की भलाई, 2 टेबलस्पून चाहिए कूटे हुए बादाम, 1 कप चाहिए मैंगो, 3 डबल रोटी के स्लाइस चाहिए। और इन सब सिंपल अज़ा से हम बनाएंगे मज़ेदार और मुनफरद मलाई मैंगो कुल्फा। देखते हैं किस तरह से बनाते हैं इसको। सबसे पहले एक पैन में 2 लीटर दूध को गर्म करेंगे हल्की आंच पे, और इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। इसको हल्की आँच पर बीच में वक्फे से चमचा भी हिलाते रहें, इस तरह से इसको हिलाते रहें और आँच हल्की रखें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 लीटर दूध में 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करें, उसको थोड़ा सा पकाएं, और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में मिक्स करके आप उसके अंदर डालें, वो बहुत अच्छा खासा गाढ़ा हो जाता है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जितना से आपको फैसिलिटी है। तो उसको मिलाते रहिए, ये आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो पक पक के थोड़ा हो रहा है। हम इसको पकाते रहेंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए। इस साइडों से आपने मलाई को हटाते जाना और इसके अंदर शामिल करते जाना। ये आप देख सकते हैं दूध का कलर चेंज हो गया है और ये बहुत हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये जब गाढ़ा हो तो ये नीचे से लग ना जाए, पैंदे से लग ना जाए, तो इसलिए इस स्टेज पे चम्मच हिलाते हैं। ये अब गाढ़ा दूध जो देख रहे हैं, इसको हम एवेपोरेटेड मिल्क भी कहते हैं। इसको हम आइसक्रीम्स बनाने में, कुकीज बनाने में भी यूज़ करते हैं, और ये सुपर मार्केट से केन के फॉर्म में भी मिलता है भाई के ममालिक में। इसको बासानी आप घर पर भी बना सकते हैं इस तरह से दूध को काट कर के। ये देख सकते हैं ये दूध गाढ़ा हो रहा है और चम्मच देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी इतना गाढ़ा ही होना चाहिए। अब ये रेडी है, हम इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद में आपको गाइड करती हूँ कि स्टेप 2 क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग और ईजी स्टेप। सबसे पहले ब्लेंडर में तैयार शुदा गाढ़ा दूध डाला, 1 कप चीनी डालेंगे, 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, 2 डबल रोटी के स्लाइस डालेंगे, किनारे काट लेंगे आपने, और इनसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ये डाल देंगे, और 1 कप बर्गर फॉर्म डालेंगे, और 1 कप मलाई डाल देंगे।
हाफ टी स्पून के करीब छोटी इलायची डालेंगे, थोड़े से बादाम भी डाल देंगे और इन सब अज़ा को हम ब्लेंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं मिक्सचर ब्लेंड हो गया अच्छी तरह से, सब इंग्रेडिएंट जो हमने डाले थे वो अच्छी तरह से सब मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे और उसको कवर करेंगे और उसको फ्रीज कर देंगे 12 से 14 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आइसक्रीम मिक्सचर को हम एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे और इसको फ्रीज करेंगे, इसमें मोम्स डाल देते हैं। इसको आप कुल्फी मोम्स के अंदर भी जमा सकते हैं, इसको हम डालेंगे और बस इसके ऊपर बादाम छिड़क देंगे थोड़े से। बंद करेंगे और इसको फ्रीजर में 12 से 14 घंटे के लिए हम रख देंगे। मज़ेदार यमी कुल्फा रेडी है। अब हम इसके स्लाइस काटेंगे इस तरह से। इसी तरह से सारे निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मैंगोज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं और ख़ाली जो है कुल्फ़ा भी बना सकते हैं, या फिर आप स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं और स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ा भी बना सकते हैं। यमी कुल्फा रेडी है, इसलिए हम थोड़े से पिस्ते डालेंगे, थोड़े से बादाम छिड़केंगे और इसको सर्व करेंगे। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और हांडी रोडी फूड कुकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ेदार न्यू एंड यूनिक रेसिपीज आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।